इंडिया से मुफ्त में आ रहा है। सो उसमें प्लास्टिक रिसाइकल के साथ अडल्ट्रेट करने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक का कॉस्ट बहुत अधिक है। सो वो है, हम भी वो देखा, वो सैंपल्स, वो सैंपल्स है, ये चीज है, ये प्लास्टिक राइस नहीं है, ये है फोर्टिफाइड कर्नल्स है। इसका मतलब है दैट राइस आटा के साथ आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12, ये राइस आटा के साथ बन जाता है। ये है सिर्फ हमारे बच्चे, फैमिलीज और प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग वुमेन, वो लोगों के लिए अनिमिया और दूसरे डिजीज से सेव करने के लिए। दिस इज वेरी गुड माल न्यूट्रिशन के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम है दैट इंडिया में सारे रेशन शॉप्स में ये राइस कर्नल बनाकर, ये हमारे नॉर्मल राइस से हम लोग 1:100 रेशियो में, मतलब ये है हमारे नॉर्मल राइस, ये रेशन का हमारे राइस है, बहुत अच्छे राइस है। ये पंजाब और हरियाणा से हमारे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू हमारे रेशन शॉप्स में आता है। इसमें 100 दान के ऊपर एक दान ये डालना पड़ता है। ये पहले सर ये मिलता था पहले ये मतलब मिलता था, अब अभी चेंज इस किया है। साल से ये दोबारा ओपन करवा कर कर फैक्ट्रीज में ये 1:100 रेशियो में, क्योंकि इसमें क्या क्या है, आयरन है, फॉलिक एसिड है, विटामिन सी है, और ये बहुत कम मात्रा में होना चाहिए, अधिक हो जाते हैं दिन बॉडी शरीर का ठीक नहीं है, इसलिए ये हम लोग डालकर वी आर गिविंग इट इन ऑल द राइस। एक दान इसमें बड़े वाला होता है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, ये सोशल मीडिया में सिर्फ ये कर्नल्स को लेकर, ये प्लास्टिक राइस है, ये चिप जाता है, ये अडल्ट्रेशन हो रहा है, ये बोलना नहीं, ये कर रहे हैं, इसलिए आप लोग मत बिलीव कर दो ऐसी चीज। और हम लोग सारे रेशन शॉप्स में भी हम लोग ये सूचना छिपा रहे हैं, सो दैट लोगों को मालूम हो पहले जाएगा। शायद चंबा जिला से शुरुआत की थी आपने इस राइस को, अब सारे पूरे 12 जिलों में जो डिपो है उसमें यही राइस मिलेगा जो कंबाइंड है। आपने कहा कि पहले जो राइस था पिछले 6 महीने से हमारे सारे 6,000 रेशन शॉप्स में, पहले चंबा में स्पेशल डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुआ, बट इस साल से आप कितना भी राइस खा रहे हैं वो फोर्टिफाइड राइस है। दिस इज फॉर टू 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 स्टॉप माल न्यूट्रिशन। हमारे सिर्फ राइस नहीं है, राइस आटा, हमारे मस्टर्ड ऑयल और सॉल्ट, इज ऑल दीज फोर, इट्स ये चारों चीज फोर्टिफाइड राइस, इसमें फोर्टिफाइड एक चीज जाननी है सर, क्योंकि लोगों में असमंजस है। जैसे आपने कहा कि अब जो राइस आएगा डिपुओं में वो दोनों कंबाइंड होगा, तो इसमें से कौन से ऐसे पोषक आहार है जिसे कह सकते हैं जो मतलब इस गुड फॉर हेल्थ, थोड़ा उसके बारे में इसमें कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं सर जो आपने कहा इससे पहले थोड़ा बताएं नहीं, सर। वो ही ना। सो ये हमारे शरीर के लिए क्या चाहिए, उसमें उसमें आयरन चाहिए और विटामिन B12 चाहिए और फॉलिक एसिड चाहिए। आयरन होना चाहिए 1 किलो में सिर्फ 20 या 30 मिलीग्राम चाहिए, फॉलिक एसिड सिर्फ माइक्रोग्राम में चाहिए, बहुत कम चाहिए, और B12 मिलियन में किसी पार्ट चाहिए। सो वो साइंटिफिकली हम लोग हमारे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया गोडाउन्स में ये तीनों चीज हमारे राइस आटा के साथ मिक्स कर दिन, ये लोग कोशिश करते हैं राइस का फॉर्म देना, इसलिए ये नॉर्मल राइस से थोड़ा बड़ा है, ये दिस इज बिगर इन साइज, नॉर्मल राइस इज स्मॉलर। सो नॉर्मल राइस स्मॉल है, ये थोड़ा बड़ा है, इसलिए लोग सोच लिया शायद ये अडल्ट्रेटेड है, मिक्स कर दिया किसी प्लास्टिक से, ये प्लास्टिक नहीं है, ये भी राइस है, ये भी आप लोग खा सकते हैं। हम लोग कुछ नहीं कर रहा है, ऑटोमेटिकली ये इसमें क्या क्या चीज है, राइस, फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12, ये ऑटोमेटिकली इट गोस इनटू योर सिस्टम उसी रेशियो में। सर आखिरी सवाल है सर, जो लोग सर सोशल मीडिया पर वायरल करेंगे वीडियो उन पर कुछ कार्रवाई भी करेंगे क्योंकि आप शायद वो लोग
वो लोग इनोसेंटली भी कर सकते थे, तत्व ऐसे नहीं है दैट सारे मिस्चिफ होगा। एक्चुअली काफी लोग मुझे फोन भी किया, एक्चुअली वो सोच लिया शायद प्लास्टिक है, इसलिए अभी ना हम लोग सोचना दे रहे हैं, इसके बाद ऐसी चीज हो नहीं सकता, क्योंकि प्लास्टिक का कॉस्ट 100 रुपया है और इसका कॉस्ट आप लोगों को मालूम है मुफ्त में आ रहा है। अडल्ट्रेट करने के मतलब ही नहीं है। सरकारी डिपो में से वो भी लगाएंगे इन्फॉर्मेशन, ना वी आई हैव ऑलरेडी गिवन द ऑर्डर दैट एवरी डिपो बाहर हम सूचना लगा देंगे दैट ये 45 राइस है और ये आप आ, आ, ये 1:100 रेशियो में ये मिक्स हुआ, सो इसलिए वो देख कर घबराना नहीं, हम लोग बता रहे। केंद्र सरकार ने जो डिसीजन लिया है 5 जो गरीबों के लिए राशन उसका, तो वो यहाँ पर भी चला रहेगा हिमाचल में, जो अभी केंद्र सरकार ने डिसीजन लिया अगले 5 साल तक जो राशन मिलना है गरीबों को। ऑब्वियसली व्हाट एवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड्स दैट इज देयर, क्योंकि आजकल प्राइम मिनिस्टर्स गरीब अन्न कल्याण योजना में इट इज कमिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। दूसरी चीज है पल्सेस और ऑयल, उसमें गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश सब्सिडी दे रहे हैं, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राइस और आटा में दे रहे हैं और हम लोग दे रहे हैं दूसरी चीज पे सब्सिडी, इसलिए वो चल ही रहा है।